नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सोदी डेक्स्टर, मोटिवेशनल स्पीकर, यूथ लाइफ कोच, बिजनेस ट्रेनर। आज मैं आपके लिए एक ऐसा कंटेंट लेके आया हूं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, लाभकारी होगा, यूजफुल होगा, आगे बहुत लंबे समय के लिए आपके लिए काम आएगा। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं, जीतने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते हैं, जीतने वालों का कार्य करने का तरीका होता है वो अलग होता है। जीतने वाले अलग अलग प्रकार से सोचते हैं, उनका माइंडसेट अलग होता है। सक्सेस जो डिपेंड करती है वो आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करती है, आपकी सोच पे आपकी सक्सेस डिपेंड करती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि सक्सेस का राज क्या है, तो सक्सेस का जो की पॉइंट है सक्सेस का, वो आपकी सोच है। जीतने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते, उनके कार्य करने का तरीका अलग होता है, उनका सोचने का तरीका अलग होता है, उनकी संगत उनसे बेहतर लोगों के साथ होती है, उनका माइंडसेट ऐसा बनाते हैं वो लगातार पॉजिटिव चीजें देखते हैं, जितना हो सकता है पॉजिटिव चीजें। जिस प्रकार का आप सोचते हैं आप वैसे बन जाते हैं। अगर आप निष्फल सोचेंगे तो आप निष्फल बन जाएंगे, अगर आप सबल सोचेंगे तो आप सबल बन जाएंगे। दोस्तों मैं आपको कुछ लाइनें शेयर करना चाह रहा हूं, लाइनों को ध्यान से समझिए, हर एक लाइन में मेरा मैसेज होगा, ध्यान से सुनिएगा और उनको फील करिएगा, और उनको उन लाइनों को जीना है आपको। हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझको कामयाबी मिल जाएगी। हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे तुझको कामयाबी मिल जाएगी। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बे खुद बन जाएगा। दोस्तों अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप जिस भी फील्ड में कार्य कर रहे हैं, आपको लगातार चलते रहना है। मंजिल आपके सपनों की जो शहर है, जो सपनों की लग्जरियस फीलिंग है, वो आपके रुके रहने से आपको नहीं मिलेगी, वो मिलेगी आपको लगातार चलते रहने से। मंजिल को अगर पाना है तो चलना भी जरूरी है, सपनों के शहर पाना है तो तपना भी जरूरी है। आपको तपना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको हर एक चीज सीखनी पड़ेगी, आपको इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज टू मच डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। लोगों को दोनों चीजें में से इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज नहीं होती है, तो वो आपको लेना है इंफॉर्मेशन और नॉलेज। दोस्तों अपने हौसले बुलंद रखना है, और हौसले इतने बुलंद हो जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हो, सिचुएशन आपके खिलाफ हो, उस वक्त आप कुछ ऐसा करके दिखा दे कि दुनिया आपका मिसाल के तौर पे उदाहरण दे, आपका नाम दे। दोस्तों जिस भी फील्ड में कार्य कर रहे हैं, अगर आप सीकर लेवल पर पहुंचना चाहते हैं उस फील्ड में, तो आपको उन लोगों से हटके करना पड़ेगा जो लोग नीचे के लेवल पे हैं। अगर आप सीकर पे बनना चाहते हैं तो आपको भीड़ से हटकर काम करना पड़ेगा, आपका सोचने का तरीका अलग करना पड़ेगा, आपको मेहनत उनसे ज्यादा करनी पड़ेगी। दोस्तों मैं एक बात बोलता हूं, जो लीडर होता है वो कभी भी अपनी जिंदगी का सुख नहीं ले पाता है, लेकिन एक लीडर के कारण हजार लोग सुख ले सकते हैं। उस लीडर की काबिलियत से वो हजार लोगों को चैन देता है, सुख देता है, खुशी देता है, उनको लग्जरियस फील देता है। दोस्तों जब मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, क्यों कहते हो कि कुछ बेहतर नहीं होता, सच ये है कि जैसा आप चाहो वैसा नहीं होता। कोई तुम्हारा साथ न दे तो गम न करो। खुद से बड़ा इस दुनिया में कोई हमसफर नहीं होता। दोस्तों आपको लगातार, आप ऐसे फ्रस्ट्रेट मत होइए, आप लगातार उम्मीद करिए कि लगातार अच्छा होगा। इस सबकॉन्शियस माइंड की पावर होती है, अगर आप लगातार कमांड देते रहेंगे कुछ बेहतर होगा, अच्छा होगा, तो इस सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और वही चीज हो जाती है। जब अपन किसी के बारे में सोच रहे होते हैं कि यार वो मेरा फ्रेंड मित्र आने वाला था, आया नहीं, या किसी के बारे में सोच रहे होते हैं, वो लगातार आपके सामने आ जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, सब कॉन्शियस माइंड की पार होती है, तो वो जैसा आप सोचते हैं, आप वो चीजें आपके सामने
हो जाती है। अगर सबकॉन्शियस माइंड के इसके ऊपर काफी बुक्स लिखी है हुई है चेतन और अवचेतन मन पे, इसकी काफी वो इसकी जो स्ट्रेंथ उसको समझने की कोशिश करिए माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों एक मनुष्य के अंदर इतनी असीमित ताकत है कि वो कभी कभी वो उस ताकत को पहचान नहीं पाता है। जो कोई भी मनुष्य अपनी ताकत को पहचान लिया है वो व्यक्ति इतिहास रचा है। हो सकता है उसको टाइम लग गया हो सकता है उसको बहुत देर हो गई हो, लेकिन अगर वो व्यक्ति जुनूनी है, वो व्यक्ति सपने देखता है, वो व्यक्ति टारगेट बनाता है और एक चीज को रिटर्न में रखता है, वो आप कहीं भी कार्य कर रहे हो, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत से गुजरना होगा, आपको हर एक चीज अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके चलना है। दोस्तों इसी बात में आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके लाइक करिए, अगर आपने अभी तक हमारा चौधरी डेक्सा चैनल सब्सक्राइब नहीं करिए तो सब्सक्राइब करिए। अगर आप एक चीज कर सकते हैं, इस वीडियो को अगर किसी जरूरतमंद को शेयर कर सकते हैं, अपने फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, तो हो सकता है किसी एक जरूरतमंद की मदद हो जाए। हो सकता है जो कोई व्यक्ति निराश था वो अपनी जिंदगी और वापस मुड़कर देखे। तो दोस्तों ये कार्य करिए, समाज के लिए कार्य करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, आप जितना कर सकते हैं। आप सभी को एक बार में फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा, थैंक यू सो मच, ऑलवेज बी हैप्पी।